शिट शिट, आगे पुलिस है, आगे पुलिस है, आगे पुलिस है, मोड़ लो मोड़ लो मोड़ लो मोड़ लो मोड़ लो, आगे पुलिस आ रही है यहाँ। ओ बॉयज, इस गाड़ी की स्पीड देखो यार, ये तो पूरा जहाज है लिटरली। इधर से भी पुलिस आ रही है। शिट, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मुझे पकड़ा गया, मैं पकड़ा गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ टेंडर पॉप बॉयज। आज के इस वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ GTA 5, और GTA 5 में इस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में माइकल की बोट चोरी हो गई थी, जिसका मुझे अभी तक गम है, क्योंकि वो बोट मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ करती थी। बट अब वो चोरी हो गई तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। बट फ्रैंकलिन ने मुझे उस बंदे का बताया, उस बंदे का नाम है टोमी, और आज वो रात के वक्त एक मॉल है, उसका नाम मुझे नहीं पता, पर उधर वो जाने लगा है। उसकी लोकेशन फ्रैंकलिन ने मुझे बता दी है, तो आज रात को हम उधर जाएंगे अपना मास्क पहन के, ताकि हम किसी भी कैमरा में ना आ जाएं और कोई हमें पहचान ना सके। और उस बोट को बेच के उसने ली है लैम्बोर्गिनी SVJ। सो बॉयज, आज हम वही चोरी करने जा रहे हैं। बॉयज, हम वहाँ पे भी चलते हैं सीधा, पर मुझे उससे पहले एक छोटा सा काम है। मैंने एक गैराज बाय करना है। गैराज मैंने इसलिए बाय करना है क्योंकि जब मैं लैम्बोर्गिनी चोरी करके लाऊंगा तो वो हो सकता है कि अपने बॉडी गार्ड्स या पुलिस को मेरे पीछे भेजे, इसीलिए मैं उसको छुपा के रखना चाहता हूँ। अभी उसको अपने घर में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि वो बंदा मुझे भी जानता है, फ्रैंकलिन को जानता है, तो वो मुझे भी जानता होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मैं उसका दोस्त बनाऊँ। तो बॉयज़, अभी चलते हैं सीधा, गाड़ी में बैठते हैं। और इस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। अपनी फ़िलहाल ऑडी एक खटारा तो नहीं बोलेंगे, बट इन रियल लाइफ ये बहुत अच्छी गाड़ी है। पर अब चलते हैं एक सीधा गैराज बाय करने। मैं लोकेशन लगा देता हूँ गैराज की, और फिर सीधा उधर ही चलते। बस गैराज की लोकेशन मैंने लगा दी, अब चलते हैं सीधा गैराज पे उसको बाय करने। बस जो भी बोलो यार, GTA 2013 या आई गेस 15 की गेम है, और ग्राफिक्स यार इसके अभी तक एंड लेवल हैं यार। बट अब नेक्स्ट ईयर GTA 6 भी आ रही है, सो उसका भी वेट रहेगा, उसको भी ट्राई करेंगे ज़रूर एज सून एज पॉसिबल। सो बॉयज़, आ गए हम गैराज में, अब चलते हैं गैराज को बाय करने, और फिर हम चलते हैं जल्दी से घर और जाके पहनते हैं कपड़े, और उसकी SVJ चुराने के लिए जाते हैं। यस, तो बॉयज़ फाइनली हमने गैराज बाय कर लिया है, अब चलते हैं सीधा अपने घर और जाके ड्रेसअप होते हैं और रात होने का वेट करते हैं, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं कुछ माल पानी के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास जो गाड़ी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, और हमें कोई गाड़ी तो चाहिए। और अब एक ही बार हाथ मारेंगे और लंबा हाथ मारेंगे। सो बॉयज़, आ गया हमारा घर, और आगे से बाइकर आ रहा है, इसको बोलो पीछे हो जाए। अब चलते हैं अपने घर में, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, और जल्दी से मैं जाता हूँ अपने वार्डरोब में और पहनता हूँ जाके। सो बॉयज़, माइकल फुल रेडी होके आ चुका है, उसके हाथ पे गन भी है, और इस वक्त वो फुल रेडी है जाने के लिए। अब फ्रैंकलिन ने हमें एक लोकेशन दी है, एक बहुत ही बड़ा मॉल है, हमें उसमें जाना है, और उधर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो, और ये भी हो सकता है कि ना हो। बट मुझे इतना पता है कि जैसे ही वो मैं गाड़ी चोरी करूंगा, कोई तो GPS उस पर लगा होगा या कुछ उस पर लगा होगा, जिसकी वजह से पुलिस हमें ट्रैक करेगी और पुलिस हमारे पीछे पड़ेगी। सो पहले मुझे उसको किसी गली में लेके जाना है, और फिर उसको अपने गैराज में लेके जाना है। और बॉयज़, अब निकलते हैं सीधा हम अपनी लोकेशन पर, ज़्यादा लेट नहीं करते कि इससे पहले वो निकल जाए अपनी लोकेशन से। तो अब हम बैठते हैं अपनी गाड़ी में और सीधा वहाँ पर ही निकलते हैं। इस गाड़ी को हम कहीं साइड पे छुपा के रख देंगे, और मैं अभी अपनी लोकेशन पे जा रहा हूँ, बट पहले मैं उधर मार्क कर लूँ कौन सी लोकेशन है। लोकेशन मैंने मार्क कर ली है, मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि लोकेशन मार्क कर लेनी चाहिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं हम सीधा उधर ही लोकेशन पर, और बॉयज़ हो सकता है वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए मैं मास्क पहन के आया हूँ। माइकल को मास्क पहना के लाया हूँ, ताकि इसकी शक्ल पहचानी ना जाए और इस पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम ना आए। और SVJ को हमने बहुत ही आराम से चला के लाना है, खैर जब पुलिस पड़ी होगी फिर तो आराम से चलाया नहीं जाएगा, बट हम ट्राई करेंगे। अपनी गाड़ी को लेके मैं उधर पहुंच गया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उधर सिर्फ एक चक्कर लगाऊंगा देखने के लिए कि सिक्योरिटी कैसी है। नॉर्मली जाऊंगा और एक चक्कर लगाऊंगा कि देखूंगा यहाँ पे कहीं सिक्योरिटी तो नहीं खड़ी हुई, यहाँ अंदर कहीं पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, और आई डोंट थिंक सो कि सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है। अपनी गाड़ी में थोड़ी दूर सिक्योरिटी अंदर होगी, यहाँ पर नहीं है। बट फिर भी मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर, इस वाली गाड़ी को थोड़ा दूर लगाता हूँ और वापस आता हूँ इधर, और छुप के आता हूँ थोड़ा। गाड़ी तो मैं इधर ले आऊँ, और फ्रैंकलिन से अभी अभी मेरी बात हुई है, वो कह रहा है कि तुम फिक्र ना करो, वो पूरी रात इधर ही है ऊपर अपार्टमेंट में, वो सो रहा है उस होटल के, वो मॉल है उसके ऊपर अपार्टमेंट्स है उधर, वो अपना रेस्ट कर रहा है।
कह रहे कि बस तुम अपना ध्यान रखना, लाइक पुलिस वगैरह से बच के रहना और थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह से भी बच के रहना। तो अभी हम उधर जाएंगे और आराम से SVJ लेके आ जाएंगे हम। मैं किसी टाइप का शोर नहीं करने वाला, आराम सुकून से जाऊंगा और ले आऊंगा। बट अभी मैं फ़िलहाल थोड़ी सी और रात होने का वेट करता हूँ कि रश वगैरह कम हो। अगर हमारे पीछे पुलिस पड़ती भी है तो भागना और छुपना आसान हो। सुबह रात काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन रात के 3 बज चुके हैं। यस, रात के 3:30 बज चुके हैं। अब मैं उधर चुप होके जाने लगा हूँ, अपने हाथ से गन हटा लेता हूँ और सीधा उधर पहुँचता हूँ। इस वक्त रश भी कम हो गया और बॉयज़ इधर मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ भी आ रही है। ये मॉल है, पुलिस के सायरन की आवाज़ भी इधर आ रही है। लेट्स सी क्या होता है हमारे साथ। इस वक्त इधर कोई भी नहीं है बॉयज़, बिल्कुल खामोशी है। इसीलिए मैं इसी वक्त आया हूँ क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। अब हमारे लिए बस चुराना थोड़ा सा ईजी है। मैं ऊपर आ गया हूँ, अब यहाँ पे मैं छुप जाता हूँ और आगे मुझे कुछ बंदे भी नज़र आ रहे हैं। अंदर मुझे गाड़ी तो कहीं नज़र नहीं आ रही और सामने कुछ बंदे खड़े हुए। आई डोंट थिंक सो कि वे सिक्योरिटी हैं, बट यहाँ से लोग तो काफ़ी गुजरे हैं और बॉयज सुबह भी हो रही है। अंदर कोई गाड़ी नहीं है, मुझे लगता है मैं किसी गलत होटल पर आ गया हूँ। बट फिर भी देखते हैं, आगे तो बंदे हैं बट यहाँ पर छुपते हैं। क्या पता आगे भी पार्किंग है, उधर हो सकता है ऊपर वाली पार्किंग में हो, मुझे उधर ही जाना चाहिए। बट शिट, लैम्बोर्गिनी तो ये खड़ी हुई है, SVJ। अब हम आराम से गाड़ी के पास चलते हैं यार, और गन में निकाल लेता हूँ इन केस। बस यार गाड़ी लॉक ना हो, प्लीज़ यार गाड़ी लॉक ना हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यार गाड़ी की लुक देखो यार, कितनी प्यारी है बॉयज़। और सुबह के 4 हो गए और ये लोग भी खड़े हैं। मैं गन अंदर कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं छुप जाता हूँ। यार गाड़ी की लुक देखो, SVJ इटालियन इंजन। प्लीज़ प्लीज़ गाड़ी अनलॉक हो प्लीज़। ये चीज़ ब्रो, इसको लेके निकलो जल्दी से। मेरे पीछे कुछ भी नहीं पड़ा, बस इसको लेके निकलो इसको जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से। इसको अभी अगर कुछ भी ना हुआ तो मैं इसको अपने गैराज में खड़ा कर दूंगा। मैं कह ही रहा था कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरे पीछे पुलिस पड़ भी गई है, 2 पुलिस पड़ी है। शिट, आगे पुलिस है, आगे पुलिस है, आगे पुलिस है। मोड़ लो, आगे पुलिस आ रही है यहाँ। ओ बॉयज़, इस गाड़ी की स्पीड देखो यार, ये तो पूरा जहाज़ है लिटरली। इधर से भी पुलिस आ रही है। शिट, मैं फंस गया, मुझे पकड़ा गया। भागो। यार गाड़ी की हैंडलिंग, यार गाड़ी बॉयज बहुत ही सही है। ये मैं हाईवे पे आ गया हूँ, अब ये मुझे पकड़ के दिखाएं। अब मैं नज़र ही नहीं आता इन्हें, अब नहीं नज़र आती मेरी गाड़ी पुत्र। शेड बॉयज, इससे पहले कोई तेज़ इंजन चलाया नहीं है इसीलिए मुझे थोड़ा सा। बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, आई थिंक मुझे इधर छुप जाना चाहिए क्योंकि आगे जो है ना पुलिस। शिट, ये इधर भी आ रही है गाड़ी। प्लीज़ अंदर ना आ जाए। ये चीज़ बॉयज़, ये निकल गया यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर इधर ही छुपे रहना चाहिए। गाड़ी मैंने चोरी कर ली है, थोड़ी देर बस इधर ही रहूँगा ना, तो हो सकता है कि बॉयज़ इधर इकट्ठी हो गया पुलिस। शिट, मुझे लग रहा है इधर ही आने लगी है बॉयज़। इधर ही आ रही है। नो, मैं वहाँ से पीछे से निकल के दूसरी तरफ से निकल के आराम से इधर आ गया था। मुझे लग गया था मैं वापस पकड़ा जाऊँगा और फिर वो मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ, वो चले गए और मैं यहाँ से पीछे से निकला तो वो फिर थोड़ी देर बाद चले गए। अब बॉयज़ इसको मैं ले के जाता हूँ अपने गैराज में और मैंने फाइनली लैम्बोर्गिनी SVJ अपनी कर लिया। और बॉयज़ इसको मैं बहुत ही संभाल के रखूँगा। और बॉयज़ गाड़ी की क्या हैंडलिंग है, गाड़ी का मैं W दबाऊँ गाड़ी उड़ने के लिए तैयार है यार, फुल जैसे जहाज़ हो। तो बस जाने से पहले एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि कल एक और पार्टी होने लगी है एक न्यू होटल में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं और वहाँ पे भी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं। सो बॉयज़, यू नो मैं क्या करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।